नमस्ते भाभी। भाभी ये शक्ति सिंह है, शहर के बहुत बड़े रईस और आपके होटल प्रोजेक्ट के पार्टनर। अच्छा अच्छा, मेरे पति अक्सर इनका जिक्र किया करते थे। आइए ना बैठिए। रंजीत जी के ध्यान का मुझे बहुत अफसोस है, मगर होने को कौन टाल सकता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। बेटी ये शक्ति सिंह है, तुम्हारे डैडी के बिजनेस पार्टनर, और ये निशा है। नमस्ते। नमस्ते। आपके डैडी हमारे बहुत अजीज दोस्त थे, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। चाय कॉफी कुछ लेके आऊं? नहीं बेटे, आज रहने दो, फिर कभी ले लेंगे। यार भंडारी, अनाथ आश्रम की जमीन पर 5-स्टार होटल तो बन ही जाएगा, लेकिन जब से निशा को देखा है, हाय हाय हाय, रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। हाँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हमारी शादी निशा के साथ हो जाए। ये क्यों नहीं कहते कि निशा की सारी दौलत के मालिक बनना चाहते हो? लेकिन प्यारे मेरा, आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन हिस्सा सिर्फ दौलत में। हाँ। नमस्कार। आओ तिलकधारी आओ। आपने याद किया, बंदा हाजिर, हुक्म कीजिए। वो क्या है तिलकधारी, तेरे इलाके में जो अनाथ आश्रम था? समझ गया, जिस जगह पर आप 5-स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आदमी बहुत समझदार हो। हाँ तिलकधारी, हम चाहते हैं कि उस इलाके में बच्चा तक नजर नहीं आए। बच्चा तो बच्चा, उसके आसपास जानवर भी नजर नहीं आएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुन्ने, ये किसकी कब्र बना रहे रे तुम? बात करने की तमीज नहीं, कौन हो तुम? मैं हूं तिलकधारी और इस कब्रिस्तान के मालिक। ये कब्रिस्तान नहीं, हमारा आश्रम है, और फिर यहाँ के मालिक से धर्मपाल हैं। ओ धर्मपाल जी, वो तो पालकी में बैठकर ऊपर धर्म का काम करने के लिए गए हैं। मुन्ने, अगर तू कहे तो तुझे भी ऊपर भेज देते हैं। जबान संभाल कर बात करो वरना। नहीं मुन्ने नहीं, गर्मी नहीं, हम खून खराबा करने नहीं आए, हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर इन कीड़े मकोड़ों को यहाँ से ले जाओ, वरना इन सबको धक्के दे दे के बाहर निकाल दूंगा। समझे मुन्ने? तुम सब ठीक तो है ना? आश्रम में सब बच्चे अच्छे तो है ना? बच्चे तो ठीक है, मगर क्या बात है पारू? वो गुंडा तिलकधारी आश्रम में आकर गुंडागर्दी कर रहा था। कह रहा था अगर 2-3 दिन में आश्रम खाली नहीं किया तो बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाल देगा। अगर किसी ने आश्रम की तरफ आंख भी उठाई तो उसका भी असर वही होगा जो रंजीत सेठ का हुआ था। फिर भी ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। घबराओ मत, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हम वहां पहुंच जाएंगे। ए बंदूक है यार, बंदूक। नमस्ते सर। तुम दोनों यहां? सर वो तू बोलना यार। सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहो क्या कहना है। सर हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए? कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही बोलता है सर। सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये जेल है, किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं। जब चाहे वार्डन से जाने की इजाजत ले ली। हम जानते हैं सर, लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। ये कानून के खिलाफ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ। सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं,
इसलिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं, वरना अब तक तो कब के जेल से भाग गए होते। तुम दोनों दिल के अच्छे हो इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दिया जाता है। सर आप हमारे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए, आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए सर, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। देखो हम तुम्हें ना तो जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम तुम्हें जेल से भागने देंगे। बाकी रहा अनाथ आश्रम के बच्चों की हिफाजत का सवाल, हम उनकी हिफाजत का वादा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको हवालात में बंद करवा दूंगी। मैं कहती हूँ निकलो। ऐसे बच्चों के साथ जुल्म करता है हरामजादे, तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, रोने दो, तुम्हारे बच्चे मर जाए, मरने दो, कीड़े पड़ जाए, मरने दो, तुम्हें कुत्ते खा जाए, खाने दो, तेरी कोई बहन मर जाए, मरने दो। बेशरम कहीं का, तेरे उठारे के मुंह पर थूक। जो हमारे हाथों से तुम्हारी पिटाई हुई थी भूल गए क्या? लेकिन आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं? अत्याचार रोकने के लिए हम भी कभी कभी दो चार कदम उठा लेते हैं, अत्याचार चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। नहीं सरकार, मैं कोई अत्याचार नहीं कर रहा सरकार, अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूँ। उसने इस जमीन को खाली कराने के लिए कहा था। तुम्हारा मालिक है कौन? ठाकुर शक्ति सिंह। अरे वो ठाकुर क्या अपने आप को शहर का ठेकेदार समझता है? जाओ जाकर कह दो उससे कि आज से जमीन के टुकड़े पर बसने वालों का ठेकेबान जेलर राणा प्रताप है। हाँ सरकार बिल्कुल ठीक है, चलो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेलर साहब आप वक्त पर ना आते तो ना जाने ये गुंडे इन बच्चों के साथ क्या कर डालते हैं। ये नीले आसमान वाला एक ही चुटकी में हमें ठीक वक्त पर ले ही आता है। नमस्ते, नमस्ते सर, सर। हाँ। आपने हमें बुलाया? हाँ बच्चे मिलने आए हैं तुमसे। बच्चे? नमस्ते अंकल। अरे मुन्ना तुम लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? जी। अरे ठीक कैसे नहीं होते, इनकी हिफाजत का जिम्मा हमने जो लिया था। अंकल मुंह मीठा कीजिए। हाँ आज आश्रम को 25 वर्ष हुए ना, ये मिठाई हमारे तरफ से कैदियों में बांट देना। अब हम क्या कहें? आप इंसान नहीं। अरे भाई अब ये मत कह देना कि हम देवता हैं। लड्डू लो। क्या हुआ अंकल? अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल जिसे आने ताले को बम से उड़ा था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी कौन है? वो दाढ़ी वाला। Thank you.
Thank you.